क्लाउड सीडिंग एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें हम सीड आर्टिफिशियली एनवायरनमेंट में डालते हैं। सीड वो पदार्थ हैं जिस पे क्लाउड ड्रॉपलेट फॉर्म होते हैं। तो आर्टिफिशियल सीड हम एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर से एनवायरनमेंट में भेजते हैं और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव आइस न्यूक्लियाई होते हैं, जिससे आइस पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से फॉर्म होते हैं और रेन प्रोसेस वो एक्सेलरेट करके फाइनली सरफेस रेन में उसको तब्दील करते हैं। यही क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया है। एक चीज़ ज़रूरी होती है, आपको एक एयरक्राफ्ट चाहिए, क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल करने होते हैं। वो हम लोगों ने पहले किया हुआ है, मैंने कई बार एयरक्राफ्ट एक्सपेरिमेंट किया अपने सहयोगियों के साथ। उसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि क्लाउड कॉम्बिनेशन प्रोब जो हमारी लेबोरेटरी में है उसको एयरक्राफ्ट के बाहर विंग पे लगाना पड़ता है, और इसके लिए एयरक्राफ्ट में मॉडिफिकेशन करने होते हैं। अगर पिछली बार हमने जब इसरो का एयरक्राफ्ट यूज़ किया था तो उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो पाया था, बट मेरा विश्वास है कि अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी तो एयरक्राफ्ट में मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। इसके पहले कि क्लाउड सीडिंग की जाए, जो एनवायरनमेंट के कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको समझना पड़ता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो थर्मोडायनेमिक्स, कि थर्मल स्ट्रक्चर क्या है एटमॉस्फेयर का। नहीं, ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, ये फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि जो सीड है वो सिल्वर आयोडाइड और इस तरह के पार्टिकल्स जो आप यूज़ करते हैं वो जनरली उनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलता है। वो जब नीचे बरस के वो ग्राउंड वाटर में या सरफेस वाटर में जाते हैं तो उनसे इस तरह का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं देखा गया।